वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड, आज बात करने वाले हैं नाइस बिट कैप्सूल के बारे में। एक देसी दवाओं से जड़ी बूटियों से बनाया गया इस कैप्सूल में फ्रेंड कोई भी अंग्रेजी दवा नहीं मिलाई गई है। ये कैप्सूल प्योर देसी दवाई से बनाया गया है। इसी के बारे में बात करेंगे आज इस वीडियो में। बताएंगे इसके बेनिफिट, कैसे इस्तेमाल करना है, इसका इस्तेमाल करने का तरीका क्या, सब बताएंगे इस वीडियो। ये खासकर उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है जिन लोगों की कमजोरी वगैरह लगती है, थकान लगती है, और जो लोग बहुत ज़्यादा हाथ पैरों में झंझनाहटपन महसूस करते हैं, सुनपन महसूस करते हैं, तो उनके बहुत ज़्यादा वीकनेस लगती है। जिन लोगों का ब्लड प्रेशर बहुत लो रहता है और जो कमजोरी वगैरह ज़्यादा हैं, कमज़ोर ज़्यादा लोग हैं, भूख नहीं लग पाती, खाना सही तरीके से नहीं खा पाते हैं, तो उन सब कंडीशनों में इस कैप्सूल का इस्तेमाल किया जाता है और इन सब बीमारी को बहुत जल्दी कैप्सूल ख़त्म करता है। चलिए फ्रेंड वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि फ्रेंड देख सकते हैं मेरे हाथ में ये स्ट्रिप, देख सकते हैं आप, ये बहुत ही शानदार स्ट्रिप है। आलू वाली पैकेट में दिया गया है, 10 कैप्सूल होते हैं एक स्ट्रिप में। बात करते हैं इसमें कौन कौन सी जड़ी बूटी दी गई है। इसमें देख सकते हैं अश्वतावर दिया गया, अश्वगंधा दिया गया, धसम सौंफ दी गई है, इसमें परवल भस्म दी गई है। इन सब जड़ी बूटियों से इस कैप्सूल को बनाया गया। इसकी MRP की बात करते हैं, MRP 105 रुपये है इसकी। लेकिन ये लोकल दवाई है, एथिकल दवाई नहीं है, जेनरिक दवाई। कम रेटों में आप मेडिकल स्टोर से ले सकते हैं। ये एक लोकल कंपनी ने बनाया गया, कंपनी का नाम है डॉक्टर नाइस। ये एक लोकल दवाई है, आप इसलिए आप कम पैसों में मेडिकल स्टोर से ले सकते हैं, मिल जाएगी आपको। बात करते हैं इसके बेनिफिट की। यदि आपको कमजोरी लग रही है, आपका ब्लड प्रेशर लो रह रहा है, आपको चक्कर आ रहे हैं और हाथ पैर में झंझनाहटपन हो रहा है, खून का दौड़ान कम हो रहा है, तो उन सब बीमारी को दूर करने के लिए इस कैप्सूल का इस्तेमाल में लाया जाता है। बहुत ही अच्छा कैप्सूल है। यदि आपको वीकनेस लग रही है, बहुत ज़्यादा कमजोरी लग रही है, तब भी आप इस कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन लोगों का ब्लड प्रेशर लो रहता है, टेंशन बहुत ज़्यादा करते हैं, तो उन टेंशन करने से ब्लड प्रेशर बीमारी में भी इस कैप्सूल का इस्तेमाल किया जाता है। ब्लड प्रेशर को बहुत जल्दी बढ़ाता है ये कैप्सूल। जरा सा काम वगैरह कर लेते हैं, काम करके थक जाते हैं, थकान महसूस होती है, उस थकान को दूर करने के लिए इस कैप्सूल का इस्तेमाल किया जाता है। और जो लोग बहुत ज़्यादा लंबे समय से बीमार हैं, उनकी पुरानी बीमारी के कारण उनके अंदर कमजोरी आई हुई है, तो उस कमजोरी को दूर करने के लिए इस कैप्सूल का इस्तेमाल किया जाता है। और जिन लोगों के लिए भूख वगैरह नहीं लगती है, कमज़ोर लोग हैं, वजन नहीं बढ़ पा रहा है, तो उन लोगों के लिए भी इस कैप्सूल का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत ही अच्छा कैप्सूल है। ये कैप्सूल ऐसा है, आपको भूख भी लगेगा, भूख भी लगेगी, खाना भी अच्छे तरीके से खा पाएंगे इस कैप्सूल को खाने के बाद। और जो कमजोरी लग रही है, वीकनेस लग रही है, वो आपको दूर हो जाएंगी इस कैप्सूल को लेने के बाद। ये बहुत ही शांत इस कैप्सूल का रिजल्ट जो है, बहुत अच्छा रिजल्ट है। मैं भी अपने पेशेंट को ये कैप्सूल चलाता हूँ, इसका रिजल्ट। बड़ी बात ये है फ्रेंड इसकी, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये सबसे बड़ी जीत है इस कैप्सूल से। देसी दवा वाला कैप्सूल है ये, अंग्रेजी दवा नहीं है इसमें, इसलिए इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आप कोई भी, लेकिन इसे 14 साल के ऊपर के लोगों को इस्तेमाल में लाया जाता है। 14 साल से नीचे के लोग इस कैप्सूल का इस्तेमाल नहीं कर सकते, थोड़ा सा हार्ड भी होता है, इसलिए आपको जो 14 साल से ऊपर के लोग हैं उन्हीं को इस्तेमाल कराएं, वैसे आप इस कैप्सूल का इस्तेमाल ना कराएं। फ्रेंड इसकी डोज की, इसकी डोज जो है आप 24 घंटे में एक बार इस कैप्सूल को लिया जाता है। ये बहुत ही शानदार कैप्सूल है। 24 घंटे में एक बार इस कैप्सूल को लेता है। आपको ज़्यादा ही कमजोरी लग रही है, ज़्यादा ही थकान वगैरह लग रही है, वीकनेस लग रही है, हाथ पैरों में ज़्यादा ऐठन पड़ रही है, तो इस कैप्सूल को आप सुबह शाम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस कैप्सूल को आप पानी के साथ लेंगे तो भी ठीक रहेगा, लेकिन दूध के साथ रहेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, बहुत जल्दी एनर्जी देगा बॉडी में। आप नाइस बिट नाम से कैप्सूल आता है मार्केट में, बहुत ही अच्छा कैप्सूल है, आप ले सकते हैं मेडिकल स्टोर से, अगर आपको कमजोरी वीकनेस थकान लग रही है, इन सब बीमारी को दूर करने के लिए इस कैप्सूल को इस्तेमाल में। ठीक है फ्रेंड्स, आज के वीडियो में फ्रेंड इतना ही। उम्मीद करते हैं फ्रेंड आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो, और आप ऐसी अंग्रेजी या देसी दवाई की जानकारी जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। चैनल सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं जाते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। ठीक है फ्रेंड, ताकि आने वाली जो वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँच सके। ठीक है फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।